Beyond infinity and back again. I'm today. I'm back. सभी हम NIT की पढ़ाई कर रहे हैं. हेलो बोल दो सारे. चुप. बिल्कुल चुप. सो हाय गाइस, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन. वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वंस अगेन. सो आज का लास्ट पेपर है हमारा थर्ड ईयर का. और ये पीछे कौन आ रहा है? देखा देखा लग रहा है. चलो जो भी है. सो अब सीधे चलते हैं हम अपने एग्ज़ाम देने के लिए. और लास्ट दिन सारे शिफ्ट हो जाएंगे फिर जेलम एक्सटेंशन तभी. तो शिवा भाई भी हैं. चलो शिवा भाई को बाद में दिखाएंगे क्योंकि वो मेरे नेबर ही हैं. शिवा भाई अभी मेरे बाल थोड़े से, मैंने सोच रहा था मैं कराऊँ इसको ठीक. सोच रहा हूँ जब अभी मेरा पक्का तो नहीं कि मैं घर जा रहा हूँ या नहीं, देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से. तो इसी के साथ अब लास्ट पेपर है. ऑल दी बेस्ट ब्रो. हमारा सचिन ब्रो टॉपर ब्रो. लास्ट पेपर है, लास्ट के लास्ट पेपर है. सो सचिन ब्रो, सचिन तेरे को सारा आता होगा. तेरे को सारा आता होगा. ले रहा हूँ. हेलो चाचू. एक दिन एक चाचू का मैंने वीडियो ले लिया तो वो उसके बच्चे देख रहे थे. तो वो बता रहे थे चाचू उससे मिले, आपका ब्लॉग आपने डाला था बर्थडे वाला. तेरे को सारा आता होगा. वो तो नहीं यार, लास्ट पर हसन पूर्ण नहीं पड़ा मैंने. देखेंगे यार अब क्या कर सकते हैं. अब तो लास्ट पेपर है तो फिर उसके बाद सचिन पार्टी करेगा. पार्टी जितना तूने पढ़ रखा है इसके हिसाब से पास तो आराम से हो जाएगा. फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की तरीके क्या जरूरत है भाई? पास पास ही पास है भाई. ने कब बोला पास नहीं है भाई? बस पेपर आराम से करना है, मज़े मज़े से. सर को ये नहीं पता क्या यार, टेंशन नहीं होनी चाहिए. बता बहुत बेकार होता है. हाँ चिल लाना चाहिए हम हमेशा बंदे को. अब थोड़ी सी करेंगे ब्लॉगिंग, फिर इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म, फिर अपने सारे केमिकल दोस्तों को लाएंगे और ब्लॉग को करेंगे हम. हाँ फिर हम करेंगे पार्टी. सचिन ने जो बोल दिए वो हो गई होगा. सो गाइस अभी हम मैथ्स ऑफिस में जा रहे हैं. हमारे दोस्त अभिजीत भाई, आप घर जा रहे हो? और ये हमारे केमिकल एजेंट्स आ गए सारे. आज कैसा हुआ पेपर सौरभ भाई? मैंने तो पास, मेरा पास है. चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है. पेपर्स खत्म हो गए. हाँ पास हो जाओगे आप भी, पास सारे पास हो जाएंगे. बस ये था कि हमें लगा कि ये न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन सर ने जैसा कि सर बोल रहे थे हाँ कि आपको 40 नंबर के न्यूमेरिकल मिलेंगे. हाँ लेकिन उन्होंने 20 से 22 नंबर के ही दिए. और सर ने बड़े सिंपल दिए न्यूमेरिकल. हाँ काफी सिंपल थे. हम क्या सोच रहे थे और हुआ क्या? यही होता है एग्जाम में. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. पता नहीं क्वेश्चन आ रहा है. पर्जिंग वाला भी नहीं आया. सो गाइस अब सारे बच्चे जो है चेंज करेंगे हॉस्टल. सो चलिए देखते हैं लिस्ट को देखते हैं. और जैसा कि हमारे साथ या
जैसा कि गाइस आप देख सकते हो हमारे साथ प्रेम भाई हैं। प्रेम भाई क्या हो गया, अभी ये हॉस्टल चेंज हो रहे हैं और कैसे हुए पर आज आपका मत पूछिए यार, कोई बात दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छी क्या होता है, बिल्कुल चुप। तो गाइस लाइक तो आप देख सकते हो यहाँ रूम चेंज की खुशी में सारे खुश हो रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मिल गया रूम मेरे को, सबसे लास्ट में मिला है लेकिन मिला है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस आप देख सकते हो बच्चे अपने, किसी को जेलम हॉस्टल मिला, किसी को तभी हॉस्टल मिला। आ गई हुई है सो बाय बाय मानसबल हॉस्टल। और अभी हम शायद से बाहर जा रहे हैं, हरिओम का बर्थडे है सो लेट्स एंजॉय। ओ लेट्स पार्टी टुनाइट यो यो। तो गाइस अभी हम सीधे जा रहे हैं कृष्णा ढाबा। हरिओम का बर्थडे तो वैसे 1 अगस्त को है लेकिन हम पहले बना रहे हैं सो अब चलते हैं सीधे। सारे अनुराग हो रहे लेकिन क्या पता अगर वो ब्लॉग में आएंगे तो उनको लाऊंगा नहीं तो नहीं लाऊंगा, उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है। सो गाइस अभी हम डल गेट में हैं और यहीं से जा रहे हैं कृष्णा ढाबा। तेजा हमारे साथ है, हरिओम का बर्थडे है, बेल्ट उसको मैंने मार दी है। हैप्पी बर्थडे हरिओम। सो गाइस फाइनली तुषार, हरिओम, तेजा हम सारे आगे पहुंच गए और ये रोहित सारे और अभी तक पीछे ही हैं, पता नहीं पीछे हमेशा पीछे ही रहेंगे लाइफ में। अब हम पहुंच गए हैं कृष्णा ढाबा, तो सीधे मिलते हैं आपको कृष्णा ढाबा में। तो गाइस रोटी खा के मज़ा आ गया कृष्णा ढाबा में, लस्सी का बस बिल पे करेंगे। तो रोटी तो बहुत ख़तरनाक थी, ऐसे हमने हॉस्टल में लाई थी तो बड़ी ठंडी हो गई थी, यहाँ खाई मज़ा आ गया, ऐसा लगा गर्व। लस्सी भी मैंने लास्ट में, बस स्टार्टिंग में पी ली सबने लेकिन मैंने लास्ट में भी, अच्छी लस्सी थी। चलो अब चलते हैं सीधे हॉस्टल में, हॉस्टल नहीं सीधे चलते हैं कैंपस अपने कॉलेज में। हमारे साथ ब्रजेश भाई, तुषार। गाइस लास्ट में खाई खीर, खीर बहुत अच्छी लगी, इसमें जो काजू बादाम थे मज़ा आ गया। राग ने बुलाया मेरे को, आजा भाई खीर खा ले। अब पता नहीं आधे दोस्त पता नहीं कहाँ गए हैं, तो मिलते हैं अब सीधे हॉस्टल में। तो गाइस हम थे 13 लोग और सबका बिल बना 255, हर लोग का पूरा बिल बना 3,320। ठीक है अब हम सारे दोस्त लोग जा रहे हैं सीधे हॉस्टल में। और हमारे हरिओम ने क्या खाया है, पान, पान खाया हरिओम ने। हरिओम बड़ा खुश है, हरिओम जाएगा अब घर में मज़े से लेगा। और जो भी होता है अच्छा ही होता है। और मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं लाता, बड़े बड़े लोगों को लाता हूँ, ये मनीष को नहीं लाता ना भगवान को। फाइनली हम पहुँच गए कॉलेज में। मेरे पास ग्रीटी शर्ट थी, आ जाओ पागल हो गया। वाह कॉलेज यार बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं कॉलेज में, अब हम लेंगे एक सेल्फी, इन सबकी सेल्फी लेनी पड़ेगी मेरे को ट्राईपॉड से, मैं नहीं लूंगा, मैं भी बीच में रहूंगा। सो आज कॉलेज बड़ा सुंदर लग रहा है, खाना खा के मज़ा आ गया।